नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। अभी सुशांत केस की जांच की आज ठंडी ही नहीं पड़ी थी कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक दूसरे सुसाइड केस की वजह से हंगामा शुरू हो गया है। हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस की वजह से महाराष्ट्र की उद्धव सरकार को बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। वहीं इसी केस में सीबीआई जांच अभी चल ही रही है कि इसी बीच पुणे में एक टिकटॉक स्टार की खुदकुशी की वजह से सियासी पारा गर्म हो गया है। विपक्षी दल बीजेपी का आरोप है कि सरकार में शामिल शिवसेना के एक मंत्री का इस केस से सीधा संबंध है। वहीं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस केस की उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दे दिए हैं। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र के बीड जिले की सोशल मीडिया स्टार पूजा चौहान की मौत की गुत्थियां उलझती ही जा रही हैं। राज्य के एक मंत्री का नाम सामने आने से विपक्ष आक्रामक हो गया है। इस प्रकरण से जुड़े 11 ऑडियो क्लिप्स वायरल हो रहे हैं। इन क्लिप्स में मंत्री और उनके कार्यकर्ताओं के बीच की बातचीत का पूरा ब्यौरा है। कार्यकर्ता का नाम अरुण राठौर है। क्लिप्स में कार्यकर्ता की बातचीत से लग रहा है कि वो इस मृतक पूजा का चचेरा भाई है। इन ऑडियो क्लिप्स में पूजा की आत्महत्या से पहले और आत्महत्या के बाद हुई बातचीत दर्ज है। इन क्लिप्स में पूजा की आत्महत्या से पहले की मानसिक स्थिति क्या थी, उसका किस तरह का इलाज चल रहा था, ये सब स्पष्ट रहा है। बता दें कि पुणे की टिकटॉक गर्ल पूजा चौहान की आत्महत्या मामले में शिवसेना के मंत्री संजय राठौड़ की मुश्किलें बढ़ गई। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि मामले की विस्तृत जांच होगी और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इसमें दखल देते हुए राज्य सरकार और पुणे पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया। विपक्षी दल भाजपा ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार पर दबाव बढ़ाते हुए राठौर की गिरफ्तारी की मांग की। इसके बाद मुख्यमंत्री ठाकरे ने कहा कि मामलों की जांच होगी और सत्य सामने आएगा। इस संबंध में ठाकरे ने पुणे के पुलिस प्रभो अमिताभ गुप्ता से रिपोर्ट मांगी। बता दें कि पुणे में रह रही बीड जिले के परली की मूल निवासी 22 साल की पूजा चौहान ने रविवार आधी रात को बिल्डिंग की तीसरी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। पूजा अपने भाई के साथ पुणे के हेवन पार्क में रह रही थी। सोशल मीडिया पर चर्चा है कि पूजा के संजय राठौड़ के साथ प्रेम संबंध थे। इस संबंध को आत्महत्या की वजह माना जा रहा है, लेकिन अभी तक इस मामले की पुष्टि नहीं हो पाई है। पुलिस का कहना है कि जांच का विषय है, जांच के बाद ही उचित कार्रवाई की जाएगी। स्पेशल डेस्क आर्या न्यूज। तो इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ शिवसेना प्रदेश महासचिव धर्मेंद्र तोमर जुड़ चुके हैं और साथ में हमारे साथ बीजेपी नेता राहुल आनंद है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। सबसे पहले शिवसेना प्रदेश महासचिव धर्मेंद्र तोमर जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। एक और सुसाइड केस से महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा चुकी है, सबसे पहले आपकी टिप्पणी क्या है इस पर? टिप्पणी करना यही चाहूंगा कि पूर्व में भी सुशांत केस में जांच से पहले ही लगातार झूठा झूठ की कीचड़ उछालने का काम भाजपा द्वारा किया गया कि झूठ की कीचड़ उछालो और अपना खबर निकालो। वही स्थिति अब है, बिना किसी चीज की जांच के बिना झूठ का कीचड़ उछालना और अपना कमल खिलाना, लेकिन यह राजनीति महाराष्ट्र में चलने वाली नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जांच के आदेश दिए हैं, जांच होगी, दूध का दूध पानी का पानी हो। मंत्री तो जी, आपने वन मंत्री और पूजा जी की तस्वीरें नहीं देखी है क्या? ऑडियो क्लिप्स नहीं सुने क्या आपने? झूठ का कीचड़ उछालने का काम और अपना कबल उसकी झूठ के कीचड़ में खिलाने का काम भाजपा करती आई है, ये सारा देश जानता है। ठीक है राहुल जी, एक और सुसाइड केस महाराष्ट्र में और एक बार फिर से जो है सियासत गरमा चुकी है, क्या कहिएगा आप इस पर? देखिए, ये जो शिवसेना की जो सरकार है वो पहले कभी हिंदुत्व पे चला करती थी और इनके जो संस्थापक थे ठाकरे साहब, वो तो राष्ट्र के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं और आगे भी रहेंगे।
उनकी बनाई हुई विरासत से आज ये लोग आगे क्या रास्ता अपना रखे हैं। और बहुत खेद होता है जब इतने संवेदनशील पद पे, संवैधानिक पद पे कोई बैठा व्यक्ति अगर इस प्रकार का कृत्य करे तो कहीं ना कहीं ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर निकलता है। और खास करके जो बड़े भाई जो शिवसेना के जो धर्मेंद्र तोमर जी महासचिव बैठे हैं, तो मैं उनसे एक चीज बताना चाहूंगा कि जो वीडियो क्लिप आई है, जो ऑडियो वगैरह वायरल हुए हैं, आप उसको कैसे नकार सकते हैं। चलो मैं मानता हूं कि विपक्ष में हम बैठे हैं, मैं कह रहा हूं, आप माने ना माने ये आपकी टिप्पणी हो सकती है, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है उस तथ्य पे तो आपको आना होगा। आपने अपने आप को मातोश्री के सामने समर्पित कर दिया है और सत्य की जो लालसा है और जो कुर्सी की जो लालच है उसमें आपने आपने जो राष्ट्रवादी विचारधारा के जो ठाकरे साहब थे उनको भी आपने दरकिनार कर दिया है। मैं ये नहीं कहता कि किसी भी मुद्दे पे चला जा सकता है, लेकिन आप इसकी न्यायिक जांच तो कराइए। आप वही पार्टी हैं जो राष्ट्र के हित के लिए अगर कोई ट्वीट करता है, सचिन तेंदुलकर जैसा व्यक्ति, लता मंगेशकर जैसी महिला, तो आप उस पर जांच का आदेश देते हैं, तो ये आप क्या संदेश देना चाहते हैं। ठीक उसी प्रकार आपका ये भी है, जो लोग वीडियो क्लिप देख रहे हैं, जो चर्चाएं हैं, इस पे अस्पष्ट और इस पे जांच करानी चाहिए ताकि ये दूध का दूध पानी का पानी हो सके। और जहां तक हमारी मांगे हैं तो आपको मैं बता दूं, विपक्ष ही मानता है तभी सरकार करती भी है, और विपक्ष का भी रहना उतना ही जरूरत होता है जितना कि सत्ता पक्ष का है। आप सत्ता में हैं, अपने मन मुताबिक अपने काम को करेंगे, ये सारे लोग जानते हैं, लेकिन जो बच्ची मरी है और जिसके ऊपर प्रेम संबंध के आरोप लगे हैं, ये बहुत ही घृण कृत्य है, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और उनको तो तत्काल प्रभाव से निलंबित कर आपको दो चेहरा जो आपने दिखा रखा है समाज में, उसको आपको दूर करना चाहिए। जी ठीक है तोमर जी, देखिए ऐसे पहली बार तो है नहीं कि महाराष्ट्र में किसी मंत्री पर महिलाओं से संबंधित अत्याचार पर आरोप लगे हों। पहला भी ऐसा हुआ है और इस बार भी ऐसा हुआ है, तो कह सकते हैं और ये कहा भी जा रहा है कि महाराष्ट्र में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, क्या कहिएगा आप इस पर? ऐसा नहीं है, अगर महिलाएं सबसे ज्यादा सुरक्षित है तो महाराष्ट्र में ही है। अगर आप उत्तर प्रदेश की स्थिति देखेंगे, बुरा हाल है महिलाओं का, रोज गैंग रेप की घटनाएं इलीगल होती है, कोई दिन नहीं जाता उत्तर प्रदेश में। सबसे सुरक्षित राज्य अगर मैं मानता हूं तो महाराष्ट्र को मानता हूं, लेकिन एक घटना हो गई, क्या कारण है, उसके पीछे कौन है? क्योंकि मृतक लड़की ने कोई सुसाइड नोट छोड़ा नहीं है, जो भी क्लिप है उनके आधार पर सीधा आरोपित कर देना ये सही नहीं है। जांच होगी, पुलिस जांच करेगी, जांच में जो भी दोषी होगा सजा मिलेगी, लेकिन पूर्व में ही अपनी पूरी फिल्म बना लेना और तुरंत कह देना कि इस्तीफा दो और आप कातिल हैं, आप ये हैं। पूर्व में सुशांत केस में भी यही सब किया गया था, लेकिन सुशांत केस में क्या निकला सबको पता है, सारी दुनिया जानती है। सर सुशांत केस में तो फिलहाल सीबीआई जांच चल रही है ना? कहना चाहूंगा ठीक है राहुल जी, जवाब दीजिए। मैं सबसे पहले चीज को स्पष्ट कर दूं कि जहां भी महाराष्ट्र में अगर आप गूगल पे भी सर्च कर लेंगे तो आपको सबसे ज्यादा अपराध महाराष्ट्र में ही मिलेंगे। ठीक है, एक डाटा के हिसाब से सबसे ज्यादा अपराध महाराष्ट्र में ही मिलेंगे, उसके बाद आप राजस्थान आ जाइए और जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, ये हमारा चर्चा का विषय नहीं था, लेकिन मैं फिर भी इनको बता दूं कि उत्तर प्रदेश का जो शासक है वो बहुत ही मजबूत है। उसके साथ देखिए अपराधों को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन उसे कम किया जा सकता है। धर्मेंद्र जी, राहुल जी, धर्मेंद्र जी सुन लेते हैं राहुल जी को एक बार, उसके बाद आप ही बोलिएगा। ठीक है, मुझे भी बोलने दीजिए। देखिए माननीय महासचिव जी, मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब सकारात्मक डिबेट होती है तो उसमें सुनना भी पड़ता है और सुनाना भी पड़ता है। जब आप सुना रहे थे तो मैं चुप था, जब मैं बोलता हूं तो आप ही सुनिए। और आपकी ही बातों पे मैं आता हूं, आपके विषय पे, अगर गूगल पे भी आंकड़े को अगर देख लिया जाए तो सबसे ज्यादा जो अपराध है वो महाराष्ट्र में है, उसके बाद राजस्थान में है जहां गैर भाजपा सरकार है। और बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की, हमारा ये चर्चा का विषय नहीं था, लेकिन फिर भी मैं इस पे आ रहा हूं आपके साथ, इसलिए आ रहा हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो शासक है वो
उसके हाथ में जो सत्ता है, अपराध रुकता नहीं है, अपराध बढ़ता है, लेकिन इसे कंट्रोल किया जा सकता है। और ये डिपेंड करता है कि आप में वो सेनापति में वो कितनी ताकत है किसी भी युद्ध को फतेह करने की, इस पर निर्भर करता है। जहां आप लोग चल रहे हैं तीन टांगों पे जो चल रहे हैं, तो उसमें एक जगह अगर कंट्रोलिंग पावर है तो दूसरा जगह मना करता है। आपने जो भी बयाने की है, आपके मुख्यमंत्री और आपके उप मुख्यमंत्री ने भी जो भी बयाने की है, बस वो बातें की है। लेकिन अगर देखा जाए सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, तो आपने तो आदेश दे दिया था कि इसकी जांच होनी चाहिए तत्काल प्रभाव से। तो ये आपका जो दो चेहरा है वो यहाँ उजागर होता है। आप इस चीज को एक्सेप्ट कीजिए कि अपराध हुए हैं, इस पे हमें एक्शन लेना है। हमारी सरकार में अगर कुछ कमी है तो उसको हम दूर करेंगे। आप ये कहिए जनता के सामने, ये एक सकारात्मक संदेश जाएगा लोगों के बीच में। जी ठीक है। तोमर जी, बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि इस पूरे मामले पे जो है पारदर्शी तरीके से जांच होनी चाहिए, और जो सरकार है उसका दबाव है पुलिस पर। नहीं नहीं, पारदर्शी जब हम माननीय मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि उनकी पारदर्शी जांच होगी, पर तो भी एक जेल है। लेकिन मैं तो कहना चाहता हूं अभी इससे कि पानघर में दो साधु संतों की हत्या हुई, हमारे मुख्यमंत्री जी ने इतनी सख्त कार्रवाई दोषियों पे की कि दोबारा कोई साधु संत की हत्या करने की हिम्मत महाराष्ट्र में नहीं कर पाया। लेकिन उत्तर प्रदेश में साधु की बात करेंगे, बात अभी महिलाओं की हो रही है। तोमर जी, बात महिलाओं की हो रही है। पहले भी धनंजय मुंडे पर दुष्कर्म के आरोप लगे थे। सुनिए तोमर जी, पहले भी आपके मंत्रिमंडल के जो मंत्री हैं धनंजय मुंडे, उन पर भी रेप के आरोप लगे, तो एक बार फिर से जो है अब फिलहाल आपके वन मंत्री पर रेप के आरोप लगे हैं। लगातार घिरती दिखाई दे रही है आपकी सरकार। आरोप लग रहे हैं लेकिन सिद्ध नहीं हो रहे। मैंने कहा ना, झूठ का कीचड़ उछालने का काम भाजपा करती रही है। झूठ का कीचड़ उछालो और अपना कमल खिलाओ, ये भाजपा की नीति रही है। ठीक है, लेकिन अभी तक शिवसेना ने उनको भले, ठीक है इसकी गंदगी तो थोड़ी बदल जाएंगे। तोमर जी, अभी तक शिवसेना ने मंत्रिमंडल से उनको निकाला क्यों नहीं है, जब आरोप लग रहे हैं? भले सिद्ध नहीं हुआ अभी, लेकिन अभी तक क्यों अपनी तरफ से कुछ स्टेप नहीं लिया गया है? निकाले जाएंगे, लेकिन किसी के कहने पर नहीं। जांच हो रही है, जांच होने में दोषी पाए जाएंगे तो जेल भी जाएंगे, निकाले भी जाएंगे, लेकिन जांच से पूर्व नहीं। ठीक है, लेकिन तोमर जी, लगातार जो पूजा है उसके परिवार ये कह रहा है, खासतौर से उसकी बहन का ये बयान सामने आया है कि उसकी बहन खुदकुशी नहीं कर सकती है और ना ही कोई सुसाइड नोट मिला है। नहीं, जो भी है, इसीलिए तो हम कह रहे हैं जांच होनी चाहिए भाई। पीड़ित परिवार अगर किसी बात को कह रहा है तो सारी जांच होगी उसकी। क्या जांच कर रही है महाराष्ट्र सरकार, क्या बताइए? क्या सीबीआई जांच, क्या एसआईटी जांच, क्या जांच करवाएगी? माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए हैं सबसे सख्त कार्रवाई होगी, पूरी जांच होगी, सारी कारण पता चलेंगे, सुसाइड है, मर्डर है, जो भी वो सब निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तोमर जी, पहली बार सीएम बनने के बाद उद्धव ठाकरे ने बैठक ली थी और उस बैठक में जो है वन मंत्री दिखाई नहीं दिए, क्या कहिएगा इस पर आप? दिखाई नहीं थी वो अलग बात हो सकती है, जो भी है, अगर कोई दोषी है तो मुख्यमंत्री हमारे बहुत सख्त है महाराष्ट्र में, और साफ सुथरी छवि के मुख्यमंत्री है पूरे देश में। इसलिए मुख्यमंत्री अगर जो भी काम करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो भी काम किया जाएगा वो सही किया जाएगा, सही निर्णय लिया जाएगा, अब पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। ठीक है, राहुल जी जवाब दीजिए। देखिए, न्याय तो तब मिलेगा जब ये कोई कार्रवाई करेंगे, और इनकी जो पुलिस पे जितने लोगों ने दबाव बना रखे हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर कोई संवेदनशील और संवैधानिक पद पे बैठा होता है तो सत्ता उसके हिसाब काम करती है और शासन भी उसके हिसाब काम करती है। तो भाजपा के जो आरोप है और जो महिला आयोग की तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं, तो कहीं ना कहीं इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अभी इन्होंने भी स्वीकार किया, महासचिव महोदय ने भी इस चीज को स्वीकार किया कि जांच होनी चाहिए, इसके पहले वो फेवर में नहीं थे। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि शिवसेना को सबसे पहला स्टैंड ये लेना चाहिए था कि उनको मंत्रिमंडल से निष्कासित करना चाहिए था, फिर आप उनको पद पर रख के आप कैसे जांच करवा सकते हैं? वो कहीं ना कहीं उस जांच को कहीं ना कहीं वो हार्म करेंगे, क्योंकि जब
एक आम व्यक्ति की तरह पेश आना होगा शासन के सामने। एक मंत्री के पास अगर कोई शासन जाएगा कोई कार्रवाई करने के लिए तो वो मंत्री की तरह उनके पास ट्वीट करेगा। तो इन सारे चीजों का ख्याल रखना चाहिए। और अभी जो बातें जितनी भी बातें बताई जा रही हैं वो सिर्फ कही जा रही हैं, इसका कहीं कुछ न्याय नहीं निकलने वाला है जहां तक हम लोगों का मानना है। और मैं आपको इस चीज का यकीन दिला देता हूं, अगर जब देश के अहित में करना होगा तो उससे जल्दी ये कार्य करते हैं। और कुछ समय बाद आपको ये भी खबर मिल जाएगा कि जो सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर ने जो ट्वीट किया था वो भाजपा ने करवाया था। इसके लिए हम लोग मिलकर प्रिपेयर हैं, ये आना है इनके तरफ से बयान, तो हम इसके लिए नहीं। लेकिन आपको कम से कम महिलाओं को सम्मान करना चाहिए और महिला सशक्तिकरण के केंद्र में दो कदम आपको भाजपा से आगे बढ़ना चाहिए ताकि एक अच्छा रोल मॉडल आप तैयार कर सके। जो हमने किए वो आप कर दीजिए, ये तो स्वागत योग है। इसके लिए तो आपको लोग माला पहनाएंगे कि आपके आपके शासन में महिलाएं महफूज हैं। तो ये आपको करना है सर, हमें नहीं करना। हम बस आप पे आरोप लगा रहे नहीं, हम उसको सिद्ध भी कर देंगे। आप दीजिए तो सही हमें, आप शासन को हमें हवाले कर दीजिए, देखिए हम कैसे आपके आरोपित को पीछे पहुंचा देते हैं। और जहां तक सुशांत सिंह मामले की बात है तो वहां पे अपना सीबीआई अपना रोल कर रही है, उसका क्या आएगा नहीं आएगा ये जांच का विषय है। कम से कम जांच तो चल ही रहा है ना उसके ऊपर। जी ठीक है तोमर जी, खैर अभी तो महिला आयोग ने भी इस पूरे मामले को देखते हुए रिपोर्ट तलब की है, लेकिन ऐसे में ये तो जांच का विषय है कि आरोप बाद में सिद्ध होंगे, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर सरकार ने अभी तक उनको मंत्रिमंडल से क्यों नहीं हटाया? हमारे अपने मुख्यमंत्री जी का विवेक है और वो पूरा विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री जी न्याय करेंगे। अब मुख्यमंत्री जी ने कहा भी सिर्फ कहने वाली बात है ना, न्याय तो सब बोलते कि न्याय करेंगे लेकिन आखिर में क्या होता है, केस दब जाता है? कोई नहीं दबता। महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार मजबूत सरकार है, यहाँ कुछ दबना नहीं है। जो भी दोषी होगा उभर कर सामने आएगा, सजा मिलेगी। हत्या हुई है, सुसाइड हुआ है, जो भी है जांच का विषय है। जांच पहले हो जाने दो, कुछ समय सरकार को देना चाहिए। तुरंत सरकार पर उंगलियां उठाना ये सही नहीं है। लेकिन तोमर जी, 22 साल की लड़की अगर इस पूरे मामले में उसकी जान जाती है और उसमें शिवसेना के एक मंत्री का सीधा संबंध होता है, तो इसको लेते हुए बहुत बड़ा जो है बहुत बड़ा आरोप जो है आप पे लगा हुआ है। और इसमें अगर आपकी सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है, सख्त कार्रवाई खासतौर से आरोप से धोने से पहले, तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है आपकी सरकार पर। अभी सिद्ध हो जाए, इसीलिए मैंने कहा कि जांच होने दो। और आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पर विश्वास कीजिए, पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। जो लड़की मृत हुई है उसको न्याय मिलेगा, चाहे दोषी कोई भी होगा। मंत्री की अगर दोषी है तो न्याय होगा उसके पास। ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र सरकार किसी दोषी को बचाएगी, और महाराष्ट्र सरकार ने कभी ऐसा काम किया भी नहीं है। राहुल जी, महाराष्ट्र सरकार ने कभी ऐसा काम किया नहीं है और उनके मुख्यमंत्री पर विश्वास करिए कह रहे हैं तोमर जी, क्या प्रतिक्रिया है इस पर आपकी? देखिए, जिनके डीएनए में विश्वासघात है तो वो कैसे अपने आप को सिद्ध करेंगे? ठीक है, इनके डीएनए में गड़बड़ी है। डीएनए कहने का मेरा मतलब ये है, मैं इसको भी क्लियर कर देता हूँ कि ये जो जब इनका इनकी जब पार्टी का जन्म हुआ था वो हृदय हिंदू सम्राट के नाम से हुआ था। आज इनका बदल गया है, जब ये तीन पार्टी मिलकर जब सरकार बनाई है तो इनके पोस्टर भी बदल गए हैं, तो इनके डीएनए में यहाँ गड़बड़ी आ गई। मेरा कहने का तात्पर्य ये है। और जो जांच की बात है, और जो पार्टी, मैं एक चीज और आपको केंद्रित करूंगा, जो पार्टी न्याय के साथ खड़ी रहती थी अब वो अन्याय के साथ ज्यादा है, और न्याय के साथ खड़ा रहना उनको पसंद भी नहीं है। कहीं ना कहीं बैकडोर से उनका बटन दबाया जाता है और सीएम की कुर्सी चले जाने के लिए डर से इनको मौन व्रत करना पड़ता है और उस हिसाब से चुप रहना पड़ता है। और इनके ऊपर प्रतिबद्धता हमारी बढ़ती और भरोसा भी वहां की जनता का आता जब वो मंत्रिमंडल से वन मंत्री जी को वो निष्कासित कर देते, तब जाकर जांच होती। क्योंकि जो मृत्यु हुई है वो बहुत ही खेद प्रकट करता है और कहीं ना कहीं इसमें इन लोगों की संलिप्तता को उजागर करता है कि अगर महाराष्ट्र की सरकार है और किसी भी महिला पर नजर पड़ती है तो वो महिला
सरकार के साथी रहे, जो सरकार के लोग जो चाहते हैं वो करे, नहीं तो उनको आत्महत्या करना पड़ेगा। आप इस छवि को सुधारिए और इससे अलग हटिए, और खास करके मैंने पहले भी कहा अभी भी कह रहा हूं कि आप वो करिए जो हमने नहीं किया। आपके पास सुनहरा अवसर है, आप करिए और आप इस चीज को सिद्ध कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में जनता देखती है और वो जवाब देती है। और जहां तक आरोप प्रत्यारोप की बातें हैं तो मैं आपको इस चीज को बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी पे आज पूरे देश का, देश के लोकतंत्र से चुनकर वो पार्टी आई है, और केंद्र में भी है और आपके पास भी आई थी महाराष्ट्र में भी, तो कहीं ना कहीं विश्वसनीयता है और वो हमारे पे अभी भी बरकरार है। हमने अपने मैनिफेस्टो में जो भी वादे किए उसको हमने 98% किया है, जो 1-2% है वो भी फुलफिल कर दिया जाएगा। तो आप हम पे अनाप शनाप आरोप नहीं लगा सकते हैं सर। ठीक है। और तोमर जी जवाब दीजिए, बीजेपी कह रहे हैं, राहुल जी कह रहे हैं कि हमने जो नहीं किया वो आप करिए, और इस मामले में जो है लगातार कार्रवाई और आश्वासन तो दे ही रहे हैं, और साथ में आधी रात को विश्वासघात करके कौन शपथ ले रहा था आपको पता है? सारी दुनिया ने देखा था। कभी आधी रात को जो काम होते हैं वो विश्वासघाती वहां होते हैं, तो समझ ले विश्वासघात कहां हुआ। महबूबा मुफ्ती के साथ अगल बगल हुए, विश्वासघात कहां हुआ ये पता है। ठीक है, नीतीश जी जो कहते थे बदला दीजिए वो रखूंगा, उनके साथ बैठने वाले हमसे बात कर रहे हैं विश्वासघाती। ठीक है, आप मुद्दे से भटक रहे हैं तोमर जी, आखिरी कमेंट में लूंगी राहुल जी के साथ। राहुल जी क्या लगता है, सरकार जो घिरी है इस बार लगातार महिलाओं से हुए मामले को देखते हुए, क्या इस बार क्या कुछ हो सकता है? राहुल जी जवाब दीजिए। देखिए, इनकी सरकार में वो इच्छा शक्ति नहीं है और वो यूनिटी पावर भी नहीं रह गई है, जिसके वजह से ये आगे चलकर कोई न्यायप्रिय कार्य को कर सके। क्योंकि अगर इनके मंत्री घिरते हैं, अगर इनके मंत्री दोषी पाए जाते हैं, तो वहां की आवाम को उनकी सत्ता पे भरोसा नहीं रहेगा। इसलिए वो 100% इस बात का वो प्रयास करेंगे कि हमारे मंत्री निर्दोष साबित हो जाए। जो अपराध घटे हैं, जो घटना घट चुकी है, उस पर क्या चर्चा करना है? जनता आज बोल रही है, कल वो भूल जाएगी, और विपक्ष है वो सदन में उठाता रहेगा और आगे भी जनता के हित में चलता रहेगा। जी चलिए, फिलहाल तो ये जांच का विषय और देखना दिलचस्प होगा कि फिलहाल महाराष्ट्र सरकार इस पूरे मामले में क्या एक्शन लेती है। फिलहाल राहुल आनंद जी और धर्मेंद्र तोमर जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आज के मुद्दे पर, आज की चर्चा में हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए आर्या न्यूज़।